लोग बेरोजगार हो जाए। और अपन शहर की कल्पना करें तो वो 2000 कहाँ जाएंगे। जब मैं विधायक था, अल्केश भैया थे, सुप्रसाद भैया थे, हमारे सामने भी शासन कहता था कि साहब इन्हें हटाए जाए। हर बात बात आई, दादा को मालूम है, हम लोगों ने उस समय ये चाट वालों को सौ को बैठा ला, एक अपन ने मार्केट बना दिया। आज वो अतिक्रमण काली नहीं कहलाते, वो लोग अपना ठेला करके हजारों लोगों का व्यवसाय, हजारों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं। और कोई आइए आपकी समस्या को लेकर लगातार चिंतित थे, क्योंकि आपके पिता का स्वर्गवास हो गया था, कल 13वीं थी, तो लगातार हम लोगों को निर्देशित करते थे कि आप लोग कलेक्टर प्रशासन से बात करें। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारा सब्जी बाजार है भैया, सब्जी बाजार जो है ये पिछले 100 साल से लगता है, अगर इसे विस्थापित भी करना था तो आप पहले चबूतरे बना देते, व्यवस्थित कर देते। अभी तो 500 दुकान है। नगर पालिका के अधिकारियों का ही कहना है कि 1500 से ऊपर किसान भी उसमें आके अभी इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है शहर में विवाद चल रहा है। लगभग 1500 लोग आते हैं, किसी की दुकान 5x5 पे नहीं रह सकती। ये जो राय साहब का बगीचा है, ये पुलिस विभाग को स्टेडियम के लिए आवंटित, आज नहीं कल यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, तो 1500 लोग कहाँ जाएंगे। हमारा जेल जो है 12 एकड़ का, ये शासन के पास प्रस्तावित है कहाँ जाने के लिए, कढ़ाई में जाने के लिए 56 करोड़ का जेल का पूरा सेंक्शन की कगार पे था, सरकार बदल, ये 12 एकड़ जमीन खाली हो जाती, सब्जी बाजार शहर के बाहर हो जाते। लेकिन अबे तू हटना मत, छोटी दुकानें लग जाए, बड़ी ना लगे, हमारा बाजार भी व्यवस्थित हो जाए और कुछ लोग बड़े लोग जो है उनकी कारवार निकलने की जगह भी हो जाए। अगर 10 फीट पीछे बाजार चला गया तो किसी को तकलीफ नहीं है, सब्जी बाजार को पूरा व्यवस्थित कर दे तो 1500 लोग कहीं हो जाए, पहले सरकार व्यवस्थित कर दे, नंबरिंग कर दे, उसके बाद कर ले। जब तक नहीं होता है, जब तक 10 फीट पीछे, पहले भी चूने की लाइन चलती थी, बाजार शब्द का मतलब क्या हुआ, ये बाजार लगता था 1850 के गजेटियर में, ये क्या था, बाजार था, शहर बाद में बसा। अगर उसकी व्यवस्था नहीं होती, जब तक आप कानूनी रूप से इसको विस्थापित नहीं कर सकते, वो भी वहाँ लगे और उसे व्यवस्थित कर देंगे। तीसरी बात आती है हमारे गुमतीधारी,
जब हमारा शासन था अंकेश भैया आनंद भैया ये नगर पालिका में थे, जब ये बात आई कि शहर में हर जगह गुमनी लग रही है, इन्हें हटाए जाना चाहिए, बीच में मुहिम भी चालू हुई। उस समय प्रशासन को अपन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति का एक ही जगह चार ठेले तो अपन एक परिवार का एक रजिस्ट्रेशन कर उसमें ये तय करें कि बैतूल और आसपास के 10-20 किलोमीटर के लोग जो पिछले 10 सालों से शहर में व्यवसाय कर रहे हैं उनकी फोटो से एक प्रमाण पत्र बना दे आप लोगों के पास है, वो इसलिए बना दे कि वो आपके ठेले पे आप टांग लें और हमको ये पता हो जाए कि बैतूल शहर के कितने लोग दो दो चार चार साल से व्यवसाय कर रहे हैं, बैतूल शहर के बैतूल बाजार के आसपास 10 किलोमीटर जो बैतूल पर डिपेंड, तो ऐसे खुद निकले 550 लोग, हो सकता है इनकी दुकानें हजार हो सकता है अमरावती से आने वाले या इलाहाबाद से आने वाले लोग 10-10 दुकान लगाते हो, अभी तक सब एक है, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उतने ही गुमटियाँ चिन्हित हो गई, लगभग 550-600 लोग निकले। अपन ने खंच पर कॉम्प्लेक्स चालू किया, मध्य प्रदेश का पहला कॉम्प्लेक्स है, प्रसाद भैया ने भी प्रयास किया, इन्हें मालूम है कि लागत मूल्य पे यानी जितनी लागत आएगी उतने में उसको स्थायी दुकान दे दी जाए, 2-3 लाख में उसको दुकान मिल जाती और बैंक उसको फाइनेंस कर देती क्योंकि पक्की दुकान है। ऐसी 400 दुकानें अपन बनाना कहाँ चाहते थे, तालाब के पीछे एक पक्की दुकान हो जाए, एक पल का हो जाए, सब लोग व्यवस्थित हो इसलिए बंद कर दिया कि ये पुरानी सरकार ने बनाया था फूटे तालाब का बाजार जिसमें 5-5 हजार रुपए आप जमा कर चुके हो, बहुत सारे लोग, अगर आप कोर्ट चले जाओ तो वहाँ सब्जी बाजार नहीं लग सकता, वो टेंडर भी हो गया, ठेकेदार भी तय हो गया, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, उसको रोक दिया, अगर वहाँ 200-300 दुकानें बन जाए और गुजरी और हमारा सब्जी बाजार व्यवस्थित ढंग से यही रह ले, जेल का प्रस्ताव पेंडिंग है, सरकार साल भर में उसे शिफ्ट कर दे और उसके बाद जब शहर में 12 एकड़ की जगह खाली हो जाए तो जिसको जो करना है वो करे, जब तक हम 1,000-1,500 लोगों को हम बोल सकते हैं कि 8 फीट पीछे लगाओ, 8 ठेले का मूवमेंट मत करो, आप छोटी दुकान लगाओ, मुझे बताओ आप अगर पारदी ढाने के पास वहाँ पे सब्जी बाजार जाएगा तो वहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। अभी कल मेरे पास शहर की 500 महिलाएं आई थी, वो कह रही थी कि हम पूरे शहर की महिलाएं प्रदर्शन करेंगे कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है। और कल भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आए तो 5 दिन तक तो हम लोग नहीं निकले थे, हम आए क्या, नहीं तो क्या बोलते आप आए इसलिए हम नहीं कर रहे, इसलिए हम पीछे रहे कि आपका नुकसान ना हो। कल क्यों आए?